पूर्व बिहार छठ घाट पर अभी दीपावली के दिन एक गेट का उद्घाटन किया गया था और आज छठी मैया के नहाए खाए के दिन दूसरे गेट का भी उद्घाटन कर दिया गया। शैलेंद्र जी ने बताया कि हम अपने आसपास के क्षेत्र के रोडों पर मालवा डालकर बराबर कर रहे हैं और छठ घाट पर पानी भरवाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। यह काम जबकि क्षेत्र के विधायक का होता है पर उन्होंने अभी तक कोई सुधि नहीं ली, इसलिए हम क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर सभी रोड को दुरुस्त करने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और क्षेत्र के लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। आज दूसरे गेट का उद्घाटन करके मिठाई बांटकर सभी लोगों ने हर्षोल्लास के साथ छठी मैया के जयकारे लगाए। आइए देखते हैं राजेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट। अच्छा और उत्तम लग रहा है और ये समय बहुत कम लोगों को शायद नसीब होता है। ये पांडे जी की करदानी है और इनका परिश्रम है कि आज हम लोग यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। 22 सालों से पांडे जी ने अपना खून पसीना इस घाट के लिए बहाया है और आज हम लोग खुश हैं, अच्छा लग रहा है। उमेश जी, आज दूसरे गेट का भी उद्घाटन हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप? राजेंद्र जी, आप जानते हैं कि भाई शैलेंद्र जी वर्षों से यहाँ सामाजिक सेवा करते हुए आ रहे हैं और इन्होंने ठाना है हमारी कुतुब विहार और हम ही सवारू, उसके क्रम में आज ये छठ घाट पर विकास की जो ये गेट उद्घाटन हो रहा है, यह काम विधायक का था लेकिन भाई शैलेंद्र पांडे सारे लोगों से सहयोग लेकर आज ये दूसरे गेट का भी कल्याण किए, उद्घाटन किए, आम जनता खुश है और क्या कहूँ। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से रोडों की दुर्दशा दिखाई दी थी जो विधायक सिंह ने किया था, ये MLA निकम्मा, भाई शैलेंद्र ने मलबा गिरवा कर JCB से उसको प्लेन भी करवाए और विभिन्न स्रोतों से पानी भी निकलवाया गया है और अभी भी जारी है। घाट की जहां तक व्यवस्था है आप कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं कि देखिए टेंट लगना चालू हो गया है, छठी मैया की घाट संवरना चालू हो गया है और आपके चैनल के माध्यम से सभी व्रतधारियों से आग्रह करता हूं कि परसों इस घाट पर आए और छठी मैया को सामूहिक रूप से अर्घ दे और भाई शैलेंद्र के लिए जरूर प्रार्थना करे कि हे शैलेंद्र तुम्हारी लंबी उम्र हो और तुम आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बोला बोला छठी मैया की जय।